बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी। एक रोज पहले सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इसके अलावा आतंकियों की तलाश में राजौरी के डेरा की गली इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को ढूंढने के लिए इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। हर घर, हर गली और हर सड़क पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी सूरत में दहशतगर्दों को ढेर कर शहीद जवानों की मौत का बदला लिया जा सके। डेरा की गली इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर हमला किया। इस हमले में सेना के चार जवान शहीद हो गए जबकि दो जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर कर दिया क्योंकि घात लगाकर हमला करने के बाद आतंकी जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। इसी वजह से उनकी तलाश में सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और सेना के जवान जंगलों में घुसकर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढते नजर आए ताकि पाकिस्तान से सरहद पार करके आए उन दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा सके। क्योंकि आतंकी हमले में अपने कई साथियों को खोने के बाद इन जवानों का खून खौल रहा है। गुस्से से भरे ये जवान किसी भी सूरत में आतंकियों का खात्मा चाहते हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हमले के बाद सेना ने राजौरी जिले के डेरा की गली नाम के इस पूरे इलाके को घेर लिया। हमले में शामिल आतंकियों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की तलाश शुरू की गई। जमीन ही नहीं बल्कि आसमान से आतंकियों को ढूंढ निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से जंगल और पहाड़ों में आतंकियों की तलाश शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना के जवान जंगलों के अंदर जाकर आतंकियों को ढूंढते नजर आए क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से सेना के जवान कई जगहों पर अपनी पोजीशन लेते दिखाई दिए ताकि जैसे ही आतंकियों पर इनकी नजर पड़े तो उन्हें जहन्नुम भेजा जा सके। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए। आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकी पहाड़ों की गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। आतंकियों ने ये हमला तब किया जब सेना की दो गाड़ियां जवानों को लेकर राजौरी के डेरा की गली इलाके से गुजर रही थी। तभी घात लगाकर आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहाड़ियों से छिपकर सेना की दोनों गाड़ियों पर इतनी गोलियां बरसाई कि उसमें बैठे जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आतंकियों का ये हमला राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में हुआ। बताया गया कि जिन दो गाड़ियों पर हमला हुआ उनसे जवानों को सुरनकोट से बफलियाज ले जाया जा रहा था। पुंछ जिले के इस इलाके में पहले से ही आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सेना के जवान उसी सर्च ऑपरेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आतंकियों ने सेना के इन दोनों वाहनों को निशाना बना लिया। ये वो सड़क थी, यहाँ से गाड़ी गुजरी थी और कम से कम कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों कम से कम 12 किलोमीटर का सफर तय करके आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई और बताया गया कि आतंकियों ने सेना के जवानों की हत्या करने के बाद पहले उनके हथियार लूटे और फिर वहां से भाग निकले। सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की और रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि सेना की गाड़ियां कब और कहां से गुजरेंगी। आतंकियों ने इस हमले को राजौरी के डेरा की गली और पुंछ के बुफलियाज इलाके के बीच सड़क के एक मोड़ पर अंजाम दिया। सूत्र बताते हैं कि इस हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकी शामिल थे और उन लोगों ने हमला करने से पहले इस पूरे रास्ते की रेकी की थी। इसके बाद सभी आतंकी सड़क के आसपास मौजूद पहाड़ियों में छिप गए और उन्होंने पहाड़ियों पर इस तरह से पोजीशन ले ली कि वहां से सेना के गाड़ियों और उनमें बैठे जवानों पर आसानी से गोलियां बरसाई जा सके। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने सड़क के मोड़ पर जानबूझकर इस हमले को अंजाम देने का प्लान बनाया था क्योंकि मोड़ होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार वहां धीमी हो जाती है। ऊपर से उबड़ खाबड़ सड़क होने की वजह से गाड़ियां वहां तेजी से नहीं निकल पाती हैं। मतलब आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया।
और सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बल से छिपकर रह रहे थे। दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने एक दो नहीं बल्कि कई बार इस पूरे इलाके की रेकी की, क्योंकि इस पूरे इलाके में घने जंगल और पहाड़ियां मौजूद हैं, उन्हीं के बीच गांव भी बसे हुए हैं। इसी वजह से सेना के काफिले पर हमला करने के बाद सभी आतंकी जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। हालांकि सेना ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन पहाड़ों और जंगलों की वजह से आतंकियों को ढूंढ निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। डेरा की गली का ये इलाका पुंछ और राजौरी से लगता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये पूरा इलाका पुंछ जिले में सुरनकोट में आता है, लेकिन आर्मी के सेक्टर और ऑपरेशनल कमांड के हिसाब से ये राजौरी जिले में है और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। 12 से 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उन्होंने एक गाड़ी का सहारा लिया, उसके बाद वो सड़क तक पहुँचे, स्थानीय लोगों की मदद ली और सेना के वाहन पर हमला किया। पहाड़ियों में छिपकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उन दोनों गाड़ियों में कई जगह गोलियों के छेद दिखाई दिए। जवानों के खून से वहां की जमीन तक लाल हो गई थी। और सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बल से छिप कर रह रहे थे। दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने एक दो नहीं बल्कि कई बार इस पूरे इलाके की रेकी की थी। और उसी प्लानिंग के तहत एक रोज पहले आतंकियों ने दोपहर करीब 3:30 बजे सेना के काफिले पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से राजौरी और पुंछ जिले में सेना से बचने के लिए जगह बदल बदल कर रह रहे थे। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया और दावा है कि आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं जो ISI की मदद से उन तक पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का मकसद हमले कर पुंछ और राजौरी जिले का माहौल खराब करना है और इसी वजह से उन्होंने राजौरी के डेरा की गली इलाके में सेना की दो गाड़ियों पर हमला कर वहां दहशत फैला दी। 22 साल पहले इसी जगह आतंकियों ने एक जज की हत्या कर दी थी और उसी वक्त से इस मोड़ को जज मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। और सेना के सूत्रों का दावा है कि आतंकियों ने इस घटना को उस इलाके में रहने वाले लोगों की मदद से अंजाम दिया और इसी वजह से सुरक्षा बल के जवानों ने राजौरी के डेरा की गली इलाके में रहने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी ताकि किसी भी सूरत में आतंकी वहां से भाग ना सकें। इसीलिए सेना के जवानों ने वहां से गुजरने वाले एक एक आदमी को खंगालना शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना का एक जवान सड़क से गुजरने वाले एक आदमी से कई सवाल पूछता नजर आया, जबकि वहां खड़ा एक दूसरा जवान उस आदमी पर राइफल तान कर खड़ा रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस पर किसी भी वक्त गोली चला देगा। उस आदमी से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई वो जवान राइफल तान कर उसके पीछे खड़ा हो गया। कहाँ से रहने वाले हो? करियो हालांकि पूछताछ के बाद सेना के जवानों ने उसे वहां से जाने दिया। इसी तरह वहां से गुजरने वाले कई दूसरे लोगों की भी तलाशी ली गई। शक ये है कि आतंकियों को छिपाने और भगाने में इलाके में रहने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि बिना किसी के मदद के इतने बड़े हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। हालांकि सेना ने आतंकियों की मदद के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन 21 दिसंबर को हुआ ये हमला कोई पहला हमला नहीं है बल्कि इस साल पुंछ और राजौरी जिले में आतंकियों ने इस तरह कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है और हर बार उनके निशाने पर सेना और सुरक्षा बल के जवान रहे। इससे पहले 24 नवंबर को राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ये मुठभेड़ करीब 35 घंटे चली थी जिसमें सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसी तरह 13 सितंबर को आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल पर हमला किया था और इस हमले में सेना के 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे और शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक DSP शामिल थे। हालांकि आतंकियों को भी सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया है। इस साल अब तक
जम्मू कश्मीर में कुल 70 आतंकियों को ढेर किया गया। इनमें एलओसी पर 36 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में 34 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही इस साल अब तक घुसपैठ की 18 घटनाओं को भी नाकाम किया गया है। लेकिन राजौरी में हुए इस आतंकी हमले के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने की मांग तक कर दी और इस आतंकी हमले का विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में डोगरा फ्रंट के लोग सड़क पर उतर आए। जम्मू शहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हाथों में भारत का झंडा लेकर नारे लगाते दिखे। इस दौरान कुछ लोग पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की तस्वीरें भी हाथ में लिए दिखे। एक पोस्टर भी दिखाई दिया जिस पर पुंछ हमले का बदला POJK लिखा दिखाई दिया। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। बाद में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर हमला करने और उसे भारत में मिलाने की मांग तक कर दी। भाई अब नौबत आ गई, उन्होंने हमारे पर हमला करा, हम भी हमला करें बालाकोट की तरह और POJK को लेकर के रहे। डोगरा फ्रंट का दावा है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए जाने के बाद से इन आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की मदद करते हैं।